नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। सरकार पीएम श्रम योगी मानधन योजना संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक बेहतर योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी लगाने वाले, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर और इसी तरह के अनेक अन्य कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र से जुड़े मजदूरों को अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने में सहायता मिलेगी। इस योजना के तहत रोजाना बस 2 रुपए बचाकर सालाना 36,000 रुपए की पेंशन ले सकते हैं। कटिहार जिले के मनिहारी के छोटे से गांव हसवर के रहने वाले प्लंबर मिस्त्री बबलू मंडल 1 करोड़ की राशि जीतकर करोड़पति बन गए हैं। इसके तहत उन्होंने कहा कि उन्हें एक दिन का 500 रुपए मेहनताना मिलता था और अब वो रातों रात मोबाइल ऐप गेम के सहारे करोड़पति बन गए हैं। पहले तो उन्हें इसको लेकर विश्वास ही नहीं हुआ, मगर जब उनके बैंक के खाते में राशि आई तो उन्हें यकीन हुआ। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और लखीमपुर खीरी हिंसा पर तथ्यों का एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। साथ ही गृह राज्य मंत्री को पद से हटा देने की मांग उठाई है। इस्पात मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है। खास बात यह है कि इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह की अध्यक्षता वाली इस 15 सदस्यीय समिति में सांसद चिराग पासवान और जदयू सांसद दिनेश चंद्र यादव समेत बिहार के 5 और सदस्य बनाए गए हैं। इस्पात राज्य मंत्री समिति के उपाध्यक्ष हैं। इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह की समिति में जमुई के सांसद चिराग पासवान समेत बिहार से 4 सदस्य शामिल किए जाने पर चर्चा शुरू हो गई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच शिवसेना ने बुधवार को कहा है कि केंद्र सरकार ने अगर कड़ी कार्रवाई नहीं की तो चीन और पाकिस्तान एक साथ आकर भारत के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बिना उसे पॉलिटिकल ईस्ट इंडिया कंपनी बताया गया है और कहा कि चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है और भारत बातचीत में ही लगा है। चिराग पासवान और उनकी टीम पूरी तरह से चुनाव में सक्रिय है। लोजपा रामविलास के प्रधान कार्यालय में जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ ही बैठक हुई। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष विनय कुमार गुड्डू ने किया है और मंच संचालन सांसद प्रतिनिधि चंद्रशेखर चौधरी कर रहे थे। बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश संगठन मंत्री सह संसदीय बोर्ड के सदस्य संजय सिंह और राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश सिंह मौजूद थे। देश में कोयले की कमी की वजह से बिजली के संकट का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच विद्युत मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में बिजली की कमी के कारण कोई कटौती नहीं हुई है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दिल्ली में विद्युत वितरण कंपनियां यानी कि डिस्कॉम से मिली जानकारी के मुताबिक बिजली की कमी के कारण बिजली की कटौती नहीं हुई है, क्योंकि उन्हें जरूरी मात्रा में बिजली की आपूर्ति की गई थी। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 15,823 नए मामले सामने आए हैं। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,40,01,743 पर पहुंच गई है। वहीं 226 और लोगों की जान चली गई है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,51,189 पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक क्षेत्रों से बहुस्तरीय संपर्क के लिए आज प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत कर दी। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है। इस योजना का शुभारंभ करने के साथ ही पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 सालों के लिए भारत की बुनियाद रच रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुजलमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वीडी सावरकर पर दिए अपने बयान के लिए राजनाथ सिंह पर पलटवार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने राजनाथ सिंह पर इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। ओवैसी ने कहा है कि एक दिन ये लोग सावरकर को राष्ट्रपिता का दर्जा दे देंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चरमपंथी समूह तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी को पश्तून आंदोलन कहने पर निशाने पर आ गए हैं। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के सदस्य मोहसिन दावर ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने पश्तूनों की भावनाओं को आहत किया है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 17 अक्टूबर से हो रही है। भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप में अपना पहला मुकाबला 24 अक्टूबर को पाकिस्तान से खेलेगी। इससे पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने कुछ खिलाड़ियों को UAE में मौजूद रहने के लिए कह दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट में अब संजू सैमसन, आवेश खान और वेंकटेश अय्यर का नाम भी जुड़ गया है। शासित प्रदेशों को कोविड-19 रोधी टीकों की 97.79 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध करवाई है। मंत्रालय ने बताया कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी 8.43 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध है, जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्तिक आर्यन और कीर्ति सानन स्टारर निर्देशक रोहित धवन की आगामी फिल्म शहजादा का निर्माण शुरू हो गया है। निर्माताओं ने बुधवार को इसकी घोषणा की है। भूषण कुमार, अल्लू अरविंद और अमन गिल द्वारा निर्मित यह फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज होगी। किसानों को एक बार फिर से बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो ये खबर बस आपके लिए ही है। पीएम किसान योजना के तहत 10वीं किश्त जारी करने की तारीख तय की गई है। सरकार की तरफ से किस्त ट्रांसफर करने के लिए सभी जरूरी इंतजाम भी कर दिए गए हैं।
दिल्ली परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए जल्द ही QR कोड आधारित स्मार्ट कोड जारी करेगा। ये जानकारी दिल्ली सरकार की तरफ से मंगलवार को जारी की गई थी और एक बयान में दर्ज की गई थी। बयान में कहा गया है कि इस कदम का उद्देश्य दिल्ली को शासन में नवाचार का केंद्र बनाना है। गुजरात में पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी के बाद लोगों को एक और झटका लगा है। अब CNG की कीमतों में भी 1.62 पैसे का प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसका सीधा असर राज्य के 7 लाख वाहन चालकों पर पड़ेगा। बढ़ती महंगाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अहमदाबाद में एक महीने में CNG के दाम 5.19 रुपए प्रति किलो बढ़े हैं। भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने ओडिशा के कोरापुट जिले के दमनजोड़ी में स्थित माइंस और रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट nalcoindia.com पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। NCR योजना बोर्ड द्वारा मसौदा क्षेत्रीय योजना 2041 को मंजूरी देने के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की राजघाट से 100 किलोमीटर के दायरे में सिमटने की संभावना है। इस योजना का मकसद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरी इलाकों का विकास करना है। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है। एयर इंडिया के सफल निजीकरण के बाद अब मोदी सरकार ने एक और सरकारी कंपनी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बिक्री के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। सरकार को इस कंपनी की बिक्री के लिए फाइनेंशियल बिड हासिल हो गया है। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी और मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर करने के लिए सरकार को फाइनेंशियल बिड हासिल हो गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम की खरीद के लिए वित्तीय बैंक गारंटी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। दूरसंचार विभाग ने कहा है कि सरकार ने अधिसूचना में भविष्य में होने वाली नीलामी में स्पेक्ट्रम की सालाना किस्त की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए FBG जमा करने की जरूरत को खत्म कर दिया है। नवरात्रि सीजन के चलते मंदिरों में इन दिनों काफी हलचल देखने को मिल रही है। इस दौरान मंदिरों की विशेष सजावट की जा रही है। इसी क्रम में आंध्र प्रदेश के एक मंदिर की सजावट आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मंदिर को 5 करोड़ रुपए से अधिक के नोटों से सजाया गया है। नेल्लौर जिले के वासवी कन्या का परमेश्वर मंदिर में देवता को 5.16 करोड़ रुपए के करेंसी नोट से सजाया गया है। पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने कुछ दिन पहले पंजाब इकाई के प्रमुख के पद से इस्तीफा दिया था, गुरुवार को कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल और पंजाब प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात करते देखे गए। पार्टी के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने इससे पहले मंगलवार को ट्वीट किया था कि सिद्धू राज्य कांग्रेस के संगठनात्मक मामलों पर चर्चा करने के लिए उनसे मिलेंगे। मिजोरम तुजरियाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों में से 3 करोड़पति का नाम सामने आया है, जिसके तहत कांग्रेस उम्मीदवार चार्ल रोसंगा रालते के पास कुल 26.9 करोड़ की संपत्ति है, जो कि सबसे अमीर कैंडिडेट है। वहीं भाजपा प्रत्याशी के लालदी थर सबसे गरीब है और उनकी कुल संपत्ति 5.5 लाख रुपए है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मंगलवार को जारी अनुमान के मुताबिक भारत इस वित्त वर्ष में 9.5% और अगले वित्त वर्ष में 8.5% की वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। IMF के वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक ने भारत के लिए जुलाई में किए गए सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमानों को रखा, जिसकी कोविड पस्त अर्थव्यवस्था पिछले वित्त वर्ष में 7.3% तक सिकुड़ गई थी। अलीबाबा समूह के संस्थापक जैक मा महीनों तक दुनिया भर के लोगों की निगाहों से ओझल रहने के बाद आखिरकार हांगकांग में नजर आए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जैक मा ने हांगकांग में कुछ करीबियों और कारोबारी सहयोगियों के साथ मुलाकात की है। बिजली के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त पोषण प्रदान करने वाली कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को सरकार की तरफ से महारत्न के सम्मान से नवाजा गया है। उसे यह सम्मान पिछले 3 साल में शानदार वित्तीय प्रदर्शन और परिचालन कुशलता के लिए दिया गया है। कंपनी के एक बयान में कहा गया है कि सरकार की तरफ से PFC को महारत्न का दर्जा दिया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने जर्मनी और डेनमार्क की 2 कंपनियों के साथ साझेदारी की घोषणा कर दी है। RNESL ने मंगलवार देर रात जारी बयान में बताया है कि वो जर्मनी की नेक्स्ट वेफ में 2.5 करोड़ यूरो का निवेश करेगा। कोयला आपूर्ति की देशव्यापी कमी से गहराए बिजली संकट पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार पर कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए राज्य सरकार दबाव बनाए हुए है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विद्युत और DAP आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेशों में बिजली की सुचारू आपूर्ति के लिए हर स्तर पर बेहतरीन प्रबंधन किए जा रहे हैं।
अपने बयान और कारनामे की वजह से चर्चा में रहने वाले जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने पार्टी लाइन से हटकर लालू यादव की तारीफ की है। जदयू के एमएलए गोपाल मंडल ने कहा है कि लालू यादव राष्ट्रीय स्तर के नेता है। आपको बता दें, तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर उपचुनाव को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बिहार आकर प्रचार की खबर और इसके बीच में भाजपा और जदयू लगातार राजद पर अटैक कर रही है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अमित कुमार, अनवर हुसैन, उमेश प्रकाश, सिंपल म्यूजिक सिंगर, खुर्शीद आलम, मुकेश कुमार, नुन्नू कुमार, इंडियन हेल्थ चैनल कुमार, संतोष महेश दास, विनय कुमार, प्रिंस पारो। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से विभिन्न सेक्टर को प्राइवेटाइज किए जाने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।